7 जनवरी 1954 को हुई अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की स्थापना। सेवा और सद्भावना के इस शिक्षण ज्योत को ठीक 2 दशक बाद 28 फरवरी 1975 को गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की स्थापना के रूप में दुगनी गति मिली। संघ द्वारा स्थापित शिक्षा की इस उच्चतम प्रणाली को एक नई परिभाषा तब मिली जब 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात राज्य शैक्षणिक संशोधन केंद्र चाणक्य भवन का उद्घाटन किया। अपनी नीतियों को सिर्फ अपने सदस्यों तक सीमित न रखते हुए समग्र समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाते हुए सामाजिक उत्थान के लिए सर्व समर्पित करते हुए संघ द्वारा राष्ट्रीय आपदा में आर्थिक सहयोग, भूकंप और बाढ़ जैसी आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित सहाय, निरंतर वर्कशॉप्स, पूरे देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा यात्रा, कोरोना काल में ब्लड डोनेशन कैंप्स और एम्बुलेंस की सहाय और खादी को प्रोत्साहन प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके साथ ही संघ द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र और उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली सभी पहलों को निरंतर सहयोग, कन्या शिक्षा, प्रवेशोत्सव और गुणोत्सव की ध्येय सिद्धि में निरंतर सहयोग और साथ ही गुजरात प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली शिक्षकों का चयन कर उन्हें पूज्य श्री मुरारी बाबू के कर कमलों द्वारा चित्रकूट अवार्ड इनायत किया जाता है। देश को अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं, आप सभी टीचर्स ही हैं, प्रोफेसर्स ही हैं। गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इन सारी उपलब्धियों को देश के 29वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय शैक्षणिक अधिवेशन में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री का आभार मानते हुए देश को समर्पित करते हैं।